हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। ओके, इसका पार्ट थ्री है। तो हम देखने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स फॉर क्लास सेवेंथ के लिए भी और टेंथ के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन के साथ, डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। यानी जो भी काम आपको करना है उसे अभी कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लेटर यानी बाद वो बन जाता है नेवर, मतलब कभी नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फियर, बिना डर के केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको कि कौन सा एसिड पाया जाता है टोमेटो में, यानी टमाटर में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टोमेटो में पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपना प्रीवियस रिकैप कर लेते हैं, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा उसे एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि कौन सा एसिड या फिर कौन सा बेस किस चीज़ में पाया जाता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी एसिड है या फिर कौन सी चीज़ हमारी बेस है। ओके, तो एक बार से पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो हमें इंडिकेटर बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। तो यहाँ पर कई सारे इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, और ये दोनों ही इंडिकेटर्स हैं। जो पहला वाला आप देख सकते हैं, ये है लिटमस और ये है हल्दी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मेरिक। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्लासमेट था, वो अपने क्लासमेट से पूछता है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट पाने के लिए? तो ये कहती है, नहीं, तुम टेस्ट नहीं कर सकते। क्या तुमने लेक्चर वन में नहीं देखा कि लेक्चर वन में क्या क्या कॉशंस थी, क्या क्या सावधानियाँ थी? तो उन्हें हम एक बार से फिर से देख लेते हैं। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। यानी आप किसी भी ऐसी चीज़ का टेस्ट नहीं करेंगे बिना किसी के कहने पर। ओके, जब तक कोई आपसे ये ना कहे कि आप इसका टेस्ट कीजिए, तो आप तब तक टेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से डो नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी ऐसी चीज़ को आप टच नहीं करेंगे जब तक कि आपको कोई बड़ा ना कहे उसे। यानी जब तक कोई ना कहे कि आप इस चीज़ को टच करें, तब तक आपको उसे टच नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में आपको क्या हो सकता है, आपको ऐसे में नुकसान हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है एसिड या फिर बेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नेचुरल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस। लिटमस क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। इससे पहले हमने दिखाया है कि लिटमस कैसा दिखता है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये रहा आपका लिटमस, लिटमस है ये। ओके, अब इसे चलिए पढ़ लेते हैं लिटमस के बारे में। तो लिटमस ए नेचुरल डाई। क्या होता है? नेचुरल डाई होता है। अब लिटमस मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। अब लिटमस कहाँ से आता है? तो एक प्लांट है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पाया जाता है लिटमस, और इसे कहते हैं लाइकेन। ये है लाइकेन प्लांट। ओके, इट हैज़ मैव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। When added to basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of a strip of paper known as litmus paper. तो क्या होता है ये litmus paper? क्या होता है आपका, क्या होता है कि आपका जो litmus paper होता है वो एक plant से पाया जाता है, और उसे कहते हैं lichen। lichen नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, highlighted है। और इसे जब आप पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये purple color हो जाता है। क्या होता है? purple color। okay, और इसे अगर आप एसिड में डालते हैं अगर, तो क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है। और अगर इसे आप डालते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, मतलब बेस में डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। ओके, तो अब आइए बात करते हैं एक कि लिटमस पे क्या असर पड़ता है एसिड्स पे, एसिड का, बेस का और साल्ट का, मतलब कि न्यूट्रल चीज़ों का। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस, ये बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में, बेस क्या होता है कि अगर आप बेस को डालते हैं रेड लिटमस में, या फिर रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालते हैं,
तो वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मतलब ये वाला देख सकते हैं, ये है लिटमस पेपर है, ये रेड वाला है। अगर आप इसे बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एसिड के बारे में कि एसिड का क्या असर पड़ता है लिटमस पेपर पे। ओके, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब अगर आप ब्लू वाले लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाएगा, वो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो अब कैसे चेंज करता है वो हम आगे देखेंगे, आगे एक्टिविटी आने वाली है तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल वो होता है मतलब ना तो एसिड ना तो बेस, ठीक है। तो न्यूट्रल का क्या क्या होता है, तो न्यूट्रल का काम क्या होता है कि डू नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। मतलब कि लिटमस पेपर का ये कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं। अगर आप लिटमस पेपर को डालते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो क्या होता है कि कोई भी कलर का चेंज आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब एक एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर का एसिड और बेस पे क्या असर पड़ता है। तो ये एक्टिविटी है, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या करना है, आपको पानी लेना है और नींबू लेना है और उसे मिक्स कर देना है और बनाना है नींबू पानी। ओके, तो नींबू पानी को क्या कहते हैं, लेमन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमन सॉल्यूशन, ठीक। अब उसे आपको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो आप जैसे नींबू पानी का टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर में, आप जब उसे लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज कर लिया लिटमस पेपर, ये पहले ब्लू था लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे रेड दिखे, यहाँ पे आपको रेड दिखने लगा है। ओके, तो ये होता है कलर चेंज, और इसी वजह से हम कहते हैं कि लिटमस पेपर पे जो नींबू का असर क्या होता है कि ब्लू वाला रेड में हो जाता है, और उसी वजह से क्या होगा, लेमन क्या होता है अपना, लेमन सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, मतलब वो एसिड है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, सर्फ है। ये यूज़ होता है आपको आपको अपने क्लॉथेस को आपको धुलने में काम आता है, धोने में काम आता है, तो उसे कहते हैं डिटर्जेंट। अब वो क्या होता है, तो डिटर्जेंट जो होता है, जब आप लिटमस पेपर पे इसका टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो रेड वाला लिटमस पेपर आपका होता है वो ब्लू हो जाता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका डिटर्जेंट हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। तो आप ये जानते ही हैं, आपने इसका टेस्ट भी किया होगा, तो इसे कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। यहाँ पे स्प्राइट है, इस तरह से और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कोका कोला आता है, माउंटेन ड्यू आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम इनका टेस्ट करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे कि ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो आप जब इसका टेस्ट करेंगे उसमें लिटमस पेपर पे, तो क्या हो जाएगा, जो ब्लू वाला लिटमस जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे हम कहते हैं कि जो हमारा एरेटेड ड्रिंक्स यानी जो स्प्राइट है वो क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है, क्योंकि एसिड क्या करता है, ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बदल देता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोप सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सोप, आप इसे यूज़ करते होंगे अच्छे से। तो ये रहा सोप आपका लाइफबॉय। अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब इसे आप पानी में मिक्स कर देते हैं, तो होता है सोप सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं कि सोप सॉल्यूशन हमारा होता क्या है। तो आप जब लिटमस पे टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो रेड वाला लिटमस पेपर होगा वो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो रेड से ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सोप सॉल्यूशन क्या है, आपका सोप सॉल्यूशन है बेसिक है। क्या हो जाएगा, सोप सॉल्यूशन आपका हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शैम्पू के बारे में। तो शैम्पू क्या होता है आपका, शैम्पूज आर ऑफ मेनी काइंड। शैम्पू क्या होते हैं आपके, आपके आपके कई तरह के होते हैं, मेनी काइंड्स, शैम्पूज आर ऑफ मेनी काइंड्स। तो अब उसमें वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर काइंड उसका, ये वाटिका शैम्पू के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, वाटिका शैम्पू, अगर आप इसका लिटमस पे टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्लू वाला पेपर होगा, जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होगा वो हो जाएगा रेड में हो जाएगा कन्वर्ट, और इसी वजह से हम कहते हैं कि
जो ये होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब एसिड इसमें होता है, और ये बहुत ही वीक एसिड होता है, इसलिए हम बालों में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये हमें क्या करता है, ये हमें नुकसान पहुंचाता। ठीक है, तो ये क्या है, एसिडिक होता है, और कौन सा एसिडिक होता है, वीकली, मतलब बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक एसिड पाया जाता है इसमें। ओके, अब बात करते हैं कॉमन साल्ट की, इसे कहते हैं कॉमन साल्ट, आप इसे अपने खाने में रोज़ यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, तो कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो केमिस्ट्री में इसका नाम होता है, वो होता है कुछ इस तरह होता है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे, आपको पता होना चाहिए, तो इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और केमिस्ट्री में इसका सिंबल है वो इस तरह से दिखता है, NaCl। ठीक है, तो अब जब आप इसका लिटमस पे टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, नो चेंज, यानी कोई भी लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ऐसी चीज़ जिसपे लिटमस पेपर का कोई असर ना पड़े, तो वो हो जाता है अपना न्यूट्रल हो जाता है, तो कॉमन साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, अब आइए बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप शुगर के क्रिस्टल हैं, मतलब कि शुगर के पार्ट, छोटे छोटे पार्ट हैं, उसे क्रिस्टल कहते हैं, और शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप शुगर को वाटर में मिला देते हैं तो वो हो जाता है शुगर सॉल्यूशन, और शुगर सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं, आपने इसे पिया भी होगा, तो वो क्या होता है, जब आप इसका लिटमस पे टेस्ट करेंगे तो कोई भी लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, और इस वजह से आप कहते हैं कि जो शुगर क्रिस्टल होता है, जो शुगर सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं विनेगर, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विनेगर के बारे में बात किया था, अब आज वाले लेक्चर में हम इसका लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। तो विनेगर को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सिरका, आप अच्छी तरह जानते होंगे इसे, तो ये क्या होता है, विनेगर क्या होता है, इसका जब आप लिटमस पर टेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कि जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और जो ब्लू वाला पेपर अगर रेड हो जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो विनेगर आपका होता है, यानी सिरका जो है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक, इसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, यानी जो आप सोडा यूज़ करते हैं, जो उसमें आपके जो खाने में यूज़ होता है सोडा, जो आपके समोसा बनाने में या फिर आपके जो केक्स बनाने में यूज़ होता है जो सोडा, उसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये क्या करता है, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आप जब लिटमस टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रेड वाला पेपर होगा लिटमस का, वो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, और उसी वजह से क्या कहते हैं हम, कि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, वो होता है बेसिक होता है, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये हो जाएगा बेसिक। नेक्स्ट आइए बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या होता है, ये एक चीज़ होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ इस तरह का दिखता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये देखिए बॉटल है, ये मार्केट्स में अवेलेबल होता है, तो इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते क्या है, पहले इसे हम देखते हैं, केमिस्ट्री में इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MgOH2, क्या होता है, MgOH2। तो अब ये क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लिटमस पे टेस्ट करेंगे, ठीक, उसके बाद हम बताएंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एसिड होता है या फिर बेस होता है। तो जब हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं, जो रेड वाला होता है वो हो जाता है ब्लू हो जाता है, क्या होता है, वो ब्लू हो जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है हमारा, वो होता है बेस होता है, मतलब वो बेसिक होता है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वॉशिंग सोडा, यानी वो सोडा जो हम वॉशिंग, मतलब धोने के लिए इस्तेमाल होता है, धुलने के लिए, कपड़े वगैरह धुलने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, तो ये क्या है, ये एसिड है या फिर बेस है, तो आइए इसका भी वो टेस्ट कर लेते हैं लिटमस पे। तो जब आप टेस्ट करेंगे लिटमस पे, तो क्या हो जाएगा, रेड वाला जो हो जाएगा लिटमस पेपर, वो ब्लू हो जाएगा।
तो अब आप कह सकते हैं कि जो वॉशिंग सोडा आपका होता है वो क्या हो जाता है, वो बेस हो जाता है, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर ये देख सकते हैं आप, ये इसमें है लाइम वाटर। इसे कहते हैं, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हैं आप लिखा हुआ है बॉटल पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं लाइम वाटर। तो जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो लाइम वाटर होता है वो आपका, वो क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। ओके, तो हमने देखा कि लेमन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, तो इस पर क्या करेंगे, जब लिटमस टेस्ट करेंगे तो जो रेड वाला होगा उस पर कोई चेंज नहीं होगा, और जो ब्लू वाला होगा क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये होता है एसिडिक होता है, मतलब एसिडिक, इसमें एसिड होता है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट क्या करता है हमारा, ये होता है जब आप इसे रेड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। जो लिटमस पेपर जो रेड वाला होता है वो ब्लू हो जाता है, और तो इसी वजह से आप कहते हैं कि ये बेसिक है। और जब रेड वाला ब्लू हो जाएगा तो ब्लू वाले पे उसका कोई चेंज नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट आइए बात करते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, मतलब कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ये क्या होता है। तो जब आप इसे रेड वाले में डालेंगे तो कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसे ब्लू वाले में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। और उसी वजह से हम कहते हैं कि जो आपका एरेटेड ड्रिंक्स होता है, जो स्प्राइट होता है, हमने देखा वो क्या होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोप सॉल्यूशन की। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, साबुन में आप पानी मिला दें तो होता है सोप सॉल्यूशन। आप जब इसे रेड वाले लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो बेसिक है, और जब आप ब्लू में डालेंगे तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए शैम्पू, तो इसके बारे में हमने इससे पहले बताया कि शैम्पू क्या होता है, अलग अलग टाइप के शैम्पू में अलग अलग नेचर होता है। कुछ शैम्पू एसिडिक भी होते हैं, कुछ शैम्पू बेसिक होते हैं, कुछ शैम्पू एसिड होते हैं, कुछ बेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वाटिका शैम्पू के बारे में, तो ये क्या होता है, जब आप इसे रेड वाले लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसे ब्लू वाले में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू वाला लिटमस पेपर आपका रेड हो जाएगा। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि जो आपका वाटिका शैम्पू है वो होता है, वो होता है एसिडिक होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन साल्ट, मतलब वो नमक जो आप खाने में यूज़ करते हैं रोज़ाना। ओके, तो वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है। तो जब आप उसे एसिड में, तो जब आप उसे रेड वाले में डालेंगे लिटमस पेपर में तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ब्लू वाले में डालेंगे तब भी कोई चेंज नहीं मिलेगा, और इसी वजह से कहते हैं कि हमारा कॉमन साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल चीज़ों पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है लिटमस पेपर का। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, मतलब अपना शरबत। शुगर में जब आप वाटर मिलाएंगे तो वो हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। तो आप जब रेड वाला पेपर डालेंगे लिटमस का तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, जब ब्लू वाला डालेंगे तो भी कोई चेंज नहीं मिलेगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है वो होता है, वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं विनेजर, इसे हिंदी में कहते हैं सिरका। तो विनेजर क्या होता है, ये इससे पहले हमने देख लिया है कि विनेजर एसिडिक होता है। तो जो रेड वाला होगा लिटमस पेपर वो क्या हो जाएगा, कोई चेंज इसमें नहीं मिलेगा। ब्लू वाला क्या होता है, लिटमस पेपर आपका रेड हो जाएगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एसिडिक है। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, कि बेकिंग सोडा आपका होता क्या है। तो बेकिंग सोडा, जो सोडा आप अपने केक्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं उसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये क्या होता है, जब आप रेड वाला लिटमस पेपर डालेंगे उसमें तो वो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि बेसिक। जब रेड वाला ब्लू हो जाएगा तो ये ब्लू वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ओके, इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, हमने इससे पहले देखा, वो क्या होता है, जब आप उसे रेड वाले पेपर में डालेंगे लिटमस पेपर में तो वो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा,
और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो भी क्या होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। जो सोडा हमें हम यूज़ करते हैं अपने मतलब वॉशिंग में, जो लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। इसी वजह से जो रेड वाला लिटमस पेपर आपका होता है वो हो जाता है ब्लू हो जाता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो होता है बेसिक होता है। और जब ब्लू हो जाएगा रेड वाला तो ब्लू वाले पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर बेसिक होता है, इसीलिए जो रेड वाला पेपर होगा लिटमस का वो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, और इसी वजह से ब्लू वाले पे कोई आपका कोई चेंज नहीं मिलेगा, और इसी वजह से ये हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो ये रहा जो हमने आज देखा कि हमारे आसपास की चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं, कौन कौन सी चीज़ बेसिक हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वाटर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, ये एसिडिक है, बेसिक है, या फिर क्या है ये। तो ये है, तो ये होता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है आपका, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का वाटर कैसा है, आपके घर का वाटर कैसा है। जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको एसिडिक भी मिल सकता है, बेसिक भी मिल सकता है, न्यूट्रल भी मिल सकता है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें प्योर वाटर की, मतलब प्योर वाटर मतलब साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी, जिसमें सिर्फ वाटर हो और कोई भी चीज़ ना हो मिक्स, ओके, तो वो क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, ओके। तो आई थिंक कि आपको आज सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का लेक्चर आप पूरा रिवाइज़ कर लीजिए, और उसके बाद मैं आऊँगा कुछ दिन बाद नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।